इस वीडियो में एक हाइड्रोलिक पावर प्रेस का वर्किंग समझेंगे। आप देख सकते हैं मोटर है, उसका फ्रेम है और फ्रेम के अंदर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं मोटर का स्टेटर, जिसके अंदर आपका बाइंडिंग रहता है और ये अच्छे से इंसर्ट होना ज़रूरी है। तो मैनुअली की जगह यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये सही से इंसर्ट हो जाए और आपका फ्रेम और इसके बीच में कोई गैप ना रहे। तो ये देखिए ऊपर से पिस्टन रॉड आ रहा है और नीचे आपने इस तरह का प्लेट लगा दिया है, जिससे धीरे 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 हम मूव कराएंगे और ये अच्छे से अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम कनेक्शन बाहर निकालेंगे और इसमें बेसिकली ये जो फ्रेम है ये कास्टिंग से बनाते हैं और अभी फ्रेम को हम जो आपका प्रेस है उसकी टेबल के ऊपर रख रहे हैं और ये टेबल भी मूव कर सकती है, मूव करा सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये कनेक्शन अभी आपने बाहर निकाल दिया, अब इसके अंदर रोटर लगेगा, फिर ये मोटर पूरा तैयार हो जाएगा। ये मशीन का आप स्टार्टर देख रहे हैं, जहाँ से आपका पूरा सिस्टम चालू और बंद होता है। स्टार्टर के बाद फिर आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, डीसी वाल्व होता है, उसको ऑपरेट करना होता है और उसके बाद पिस्टन रॉड आपका नीचे आता है। ये आपने स्टार्टर कर दिया, अब ये मैनुअल डीसी वाल्व है, ये आपने ऑपरेट करा दिया, जिससे आपका प्रेशराइज ऑयल सिलेंडर के अंदर जाएगा, पिस्टन को पुश करेगा, धक्का देगा और आपका पिस्टन रॉड नीचे की तरफ मूव करेगा। और अब ये ऊपर की तरफ कर दिया तो अब पिस्टन रॉड ऊपर की तरफ जाएगा, मींस ऑयल के फ्लो का डायरेक्शन अब आपने चेंज कर दिया। पहले प्रेशराइज्ड ऑयल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, अब नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशराइज ऑयल जा रहा है। ये आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक पावर पैक, जिसमें मोटर है, मोटर से आप पंप चला रहे हो, नॉर्मली गियर पंप या बैन पंप यूज़ करते हैं और यहाँ पर आपका ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व माउंटेड रहता है। जब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व मैनुअल भी आता है और सोलेनोइड वाला भी आता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से आपका ऑयल जा रहा है और ये दूसरी लाइन है, वहाँ से ऑयल बेसिकली वापस आ रहा है। तो इसमें ये जो पंप है उसके भी सक्शन और डिस्चार्ज दो पोर्ट होंगे। ये आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिखाया मैंने और ये आपका ब्लॉक के ऊपर माउंटेड है और ये लाइन्स हैं जो कि आपका प्रेशराइज ऑयल को कैरी करती हैं सिलेंडर में। आप देखिए एक ऊपर वाली लाइन है जो कि प्रेशराइज ऑयल ऊपर से नीचे की तरफ सप्लाई करती है और एक नीचे की तरफ भी लाइन है, ठीक है। यही लाइन आपको प्रेशराइज ऑयल लेके ले जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं। और यहाँ पे ये चैन ऑफ स्पॉकेट का सिस्टम लगा हुआ है, ये बेसिकली पूरे प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे करने के लिए लगा रहता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश की है। इसमें एक दूसरी जो लाइन है ये ऑयल को कैरी कर रही है नीचे से, ऑयल सप्लाई करती है। जब पिस्टन का मूवमेंट नीचे से ऊपर कराना होता है तो प्रेशराइज ऑयल नीचे से आपका जाता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर आप देख ही सकते हैं, जिसमें दोनों कनेक्शन है ऑयल के, और हाइड्रोलिक सिलेंडर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला बैरल होता है, इसके अंदर पिस्टन होता है और नीचे यहाँ पर फ्लैंज भी लगे रहते हैं। और ये जो रॉड है इसके ऊपर हार्ड क्रोम प्लेटिंग रहता है पिस्टन रॉड के ऊपर, जिससे जल्दी से ख़राब ना हो। अब ये बन गया है और इसके बाद दूसरा रखेंगे। सो आई होप आपको एक्सपोजर मिला होगा। थैंक यू।